मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा, अपनी करुणा अपनी दया हम पर की कि हम सही सलामत हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे आपके साथ, भजन संहिता 46 अध्याय वचन 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन बताता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान है तो हमारे लिए उसकी बातें भी उत्तम हैं। हालेलुया। तो उसकी बातें जब उत्तम है तब हमारे लिए परमेश्वर शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उसकी बातों पर चलते हैं और आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तब हम जिस भी संकट में हो, चाहे बीमारी, चाहे कलेश, कोई भी संकट, परमेश्वर का वचन कहता है अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर सहायक है। वो हमारा सहायक है। यदि हम संकट में पड़ें और हम उसे पुकारें, वो हमारी सहायता करेगा। हम हर एक मुसीबतों से, हर एक उन बीमारियों से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 अध्याय वचन पहले में लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विशेषकर आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को याद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब हम संसार में थे तमाम फिल्मी गाने सुनते थे, बहुत सी फिल्में देखते थे, लेकिन उतना ही टाइम निकाल के आप परमेश्वर के वचन सुनो। बाइबल डाउनलोड कर लो और गाने की तरह सुनते रहो, जिसमें आत्मविश्वास में आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आइए हम प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी, हर एक उन वस्तुओं से तृप्त किया जो आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी हमारे पास होनी चाहिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी, जाने कितने लोगों का पिता परमेश्वर प्रभु जी काम नहीं बना होगा, लेकिन प्रभु जी तू हमारा सहायक है। मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई करेगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर, और उनका मार्गदर्शन कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु जी आप महान हो पिता परमेश्वर, और आपकी करुणा सदा के लिए है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि कोई बीमार मनुष्य इस समय प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, चाहे वो खाट पे हो, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे कहीं भी हो मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप एक समय हर एक जगह उपस्थित हो सकते हो। प्रभु जी छूकर पिता परमेश्वर ब्लेस करें, हर एक बीमारी हर एक रोग से प्रभु जी छुटकारा दें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास दासियों के लिए, जो प्रभु जी हर एक दिन पिता परमेश्वर आपका वचन, जो शांति का सुसमाचार है प्रभु जी, गाँव गाँव प्रभु जी, शहर शहर जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपका वचन सुनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यदि वो घर पर आ गए हों पिता परमेश्वर, तो उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक उन बातों से प्रभु जी दूर करें, जो आज के दिन उन्हों को प्रभु जी लोगों ने कहा पिता परमेश्वर, आपके वचन सुनाते समय प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी, धन है वे लोग जो मेरे नाम के खातिर सताए जाते हैं, तब आनंदित और मगन हो प्रभु जी, वो खुश होकर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन को बिताने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रभु जी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, मन और हृदय पर नियंत्रण करना प्रभु जी, ऐसे कोई कार्य ना हो जो प्रभु जी आपसे दूरी बनाए प्रभु जी, मदद और सहायता करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जगह जगह क्षेत्र क्षेत्र में रुके हुए बसे हुए हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने जगह जगह से अपने नाम अपने करुणा के अनुसार प्रभु जी हमें नियुक्त किया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरी करें प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सोएं प्रभु जी, तो आपकी दया आपके अनुग्रह में प्रभु जी हर एक उन बीमारियों से, हर एक उन सपनों से प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी हम सुरक्षित रहें पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक उन अपनों को, हर एक उन बलाओं को यीशु के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।